नमस्कार दोस्तों, तो आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों रोड से कितना हट के हमें घर बनवाना चाहिए, चाहे नेशनल हाईवे रोड हो गया, चाहे आपका हो गया स्टेट हाईवे रोड हो गया, चाहे डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट करने वाली रोड हो गई, उसके बाद आपका विलेज रोड हो गया, गाँव का रोड से कितना हट के हमें कितना डिस्टेंस पे घर बनवाना चाहिए, बिल्डिंग बनवाना चाहिए, निर्माण का काम करना चाहिए, तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ नहीं जानते हैं, इंडियन एक्ट जो है NHAI उसके धारा के अकॉर्डिंग अगर आप गलत निर्माण करते हैं तो आप रोड को जब चौड़ा किया जाएगा फ्यूचर में ट्रैफिक बढ़ने से, तो उस टाइम पे आपका घर टूटेगा। अगर आप कानून के अकॉर्डिंग नहीं बनाए हैं तो उसका हर्जाना नहीं भरेगा सरकार। तो आइए जान लेते हैं, और आवाज़ में कोई प्रॉब्लम लगे तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा, इस बीच में हमारा तबीयत अस्वस्थ है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात कर ले NHAI एक्ट धारा 42 के अंतर्गत दोस्तों कहा गया है कि नेशनल हाईवे रोड के सेंटर से 75 मीटर आपका लेफ्ट और 75 मीटर राइट के डिस्टेंस में आपको भवन का निर्माण बिल्डिंग नहीं बनवाना है। दूसरी जो बात है दोस्तों, जन सुविधा निर्माण के लिए अगर आप बनवाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 40 मीटर के दूरी रखना पड़ेगा निर्माण के लिए। और तीसरी जो बात दोस्तों, अगर 30 मीटर से कम दायरे में अगर आप जन सुविधा निर्माण करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जन परिवहन निर्माण से इजाज़त लेना पड़ेगा। दोस्तों अब हम बात कर ले स्टेट हाईवे, उसके बाद हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट हाईवे जो कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को 4 लाइन कनेक्ट करता है रोड। तो रोड का जो सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे रोड का जो सेंटर है, तो सेंटर से दोनों तरफ आपको 30 मीटर के दायरे में ही भवन का निर्माण करवा सकते हैं, ठीक है, सरकार इसका इजाज़त देता है। दोस्तों अब हम बात कर ले विलेज का रोड, गाँव वाले रोड। तो जो गाँव वाले रोड है उसके सेंटर से ले कर आपको 6 मीटर से 7 मीटर की दूरी पे ही घर बनवाए या कोई भी निर्माण का काम करवा सकते हैं। सेंटर से, बीच से, दोनों तरफ 6 मीटर छोड़ना होगा आपको। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत।